हरियाणा के विधायकों से अर्थ प्रकाश की खास बातचीत, देखें इस पूरी रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा में जहां अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक खुलकर उठाते हैं, वहीं देखें विभिन्न क्षेत्र से आए हुए विधायकों से अर्थ प्रकाश की एक खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ से डॉक्टर सविस्तिक शर्मा के साथ कैमरामैन मनीष कुमार। हरियाणा के MLA के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ खास कहा, देखें इस पूरी रिपोर्ट में। अर्थ प्रकाश, देखने में तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। आज हम खड़े हैं हरियाणा विधानसभा। जैसे आपको पता है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून स्तर चल रहा है और ये स्तर काफ़ी हंगामापूर्ण रहा। इस स्तर के अंदर इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी आक्रामक मुद्दे लेकर आए और INLD MLA चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी काफ़ी मुद्दे उठाए। सरकार को पूर्ण रूप से घेरने का प्रयत्न किया गया और इसके अलावा जो मेन मुद्दे उठाए गए विधानसभा के अंदर वो था जो नू के अंदर जो हिंसा हुई है उसके ऊपर, स्टेट की ला एंड ऑर्डर के ऊपर उठाया गया। और उसके अलावा जो मेन मुद्दा उठाया गया वो संदीप सिंह जो मिनिस्टर हैं उनके रिज़ाइन को लेकर उठाया गया, जो हुड्डा साहब ने बहुत ही एक पारदर्शी तरीके से विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया और उसका सीएम ने हरियाणा ने रिप्लाई दिया कि हम उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे। और इस बार जो हरियाणा विधानसभा के अंदर जो मुद्दे उठाए गए और जहाँ तक स्पीकर का सवाल, स्पीकर हमेशा कहते हैं कि हमने विपक्ष को पूरा साथ दे रहे हैं, उनका पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह ये कह रहा है कि हमें साथ नहीं दिया जा रहा। हमारे कई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को ठुकराया गया, रिजेक्ट किए गए। तो इस तरह से ये हरियाणा का मानसून सत्र चल रहा है। मैं डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा अपने साथ अपने कैमरामैन मनीष जी के साथ। अर्थ प्रकाश, देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हरियाणा का मानसून स्तर चल रहा है और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के MLA श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी जो यमुनानगर से प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे बीच में मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, क्या क्या मेन मुद्दे थे इस इलेक्शन के, इसमें विधानसभा स्तर में? ऐसा है कि देखिए, एक ये नियमित प्रक्रिया होती है, मानसून सत्र बुलाया जाता है और उसमें काम काज निपटाए जाते हैं। इसमें विपक्षी दलों के लोगों ने कुछ काम रोको प्रस्ताव रखे जिनको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में बदलकर सरकार ने उनके ऊपर उत्तर दिया और सरकार अपना सारा दायित्व ठीक से निभा रही है, ऐसा एक संदेश सारे हरियाणा के लोगों को, मतदाताओं को सरकार द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग समस्याएं अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में होती हैं, प्रश्नों के माध्यम से विधायक उनको रखते हैं। कुछ तारांकित प्रश्न होते हैं, कुछ अतारांकित प्रश्न होते हैं। मैंने भी अपनी विधानसभा के अनेक विषय यमुनानगर विधानसभा के अनेक विषय रखे हैं। एक प्रश्न मेरा आज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं 2022 15 मई को, उनमें से कितनों पर काम चल रहा है, कितनी पूरी हो चुकी हैं और जिन पर काम चल रहा है वो कब तक पूरी हो जाएंगी? अरोड़ा साहब, हमें ये बताइए कि आपने चार साल हो गए इस सरकार को और ये चुनावी वर्ष हैं, अपने एरिया में कौन सा एक बड़ा काम किया है? ऐसे बड़ा, सबसे बड़ा काम यमुनानगर में सिविल अस्पताल नया बना है 200 बिस्तर का, 100 करोड़ की लागत से, जो नगर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही मैंने यमुनानगर के लिए मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट करवाई है जिस पर जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। एजेंसी आ चुकी है, अब उसने काम शुरू करना है। और इसके साथ ही मैंने यमुनानगर ज़िले में, हरियाणा में कहीं नहीं है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई है, उसके लिए ज़मीन ले ली गई है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। अरोड़ा जी, आप ये बताना मेन जो प्रश्न है कि हरियाणा के ला एंड ऑर्डर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ला एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, सामान्य है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा अरोड़ा जी, एक क्वेश्चन पूछना है। कल विधानसभा के अंदर हुड्डा जी ने कहा था कि संदीप सिंह जो आपके मिनिस्टर हैं उनके रिजाइन के लिए, तो बीइंग MLA आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं उस उत्तर के साथ उसका समर्थन करता हूँ। ये हमारे बीच में श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी जो यमुनानगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जैसे आप सबको पता है कि हरियाणा का मानसून सेशन चल रहा है और हमारे बीच में कैथल से विधायक भारतीय जनता पार्टी के श्री लीला राम गुज्जर जी हैं। गुज्जर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप हमें बताइए कि इस जो विधानसभा सेशन चल रहा है इसमें आप, हम सरकार नहीं कहते, विपक्ष नहीं कहते, विधानसभा की कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हो? बहुत बढ़िया सेशन चला हुआ है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण से इसको चला रहे हैं और माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी बड़ी कुशलतापूर्वक सेशन को चला रहे हैं। अच्छा माहौल है विधानसभा के अंदर।
तो आप ये कहिए, जैसे 4 साल हो चुके हैं, अब चुनावी अपना साल है, तो इस साल में आपने अपने हलके में कौन सा एक बड़ा काम करवाया है ताकि लोग आपको उस काम को देखते हुए वोट दे सकें? मेरे हलका कैथल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैंने 2-3 बार बात की थी कि हमारे यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, और कांग्रेस टाइम में 1-2 साल नहीं 15 साल पीजीआई कह करके रणदीप सुरजेवाला जी ने वोट लिए, परंतु वहाँ कुछ नहीं हुआ। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखी तो उन्होंने तुरंत कमेटी की मीटिंग लेकर के और कैथल में मेडिकल कॉलेज मंजूर करने का काम किया, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए है। वो चल कब तक चलेगा ये? उसके 2 टेंडर लगे चुके हैं, 265 करोड़ का और 425-30 करोड़ का। 650 करोड़ से ऊपर के 2 टेंडर लग चुके हैं, DPR बनकर के तैयार है, और मेरे को उम्मीद है कि सितंबर महीने में उस पर काम शुरू हो जाएगा। गुज्जर साहब, एक मेन क्वेश्चन ये है हरियाणा के नौजवानों का, अभी आप भी हलके में जाते हो, आपसे भी नौजवान करते होंगे, जो हरियाणा कौशल विकास निगम है उससे जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जो जिनके पोर्टल भी नहीं चलते, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हो हरियाणा कौशल विकास निगम की कार्यशैली के? नहीं, मैं एक बात से संतुष्ट हूँ कि हरियाणा में जिन बच्चों को रोज़गार मिल रहा है वो बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना कोई पैसे के लेन देन के चल रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस राज में नौकरियों के मामले में पैसे का इतना लेन देन होता था, हम देखते थे, चाहे जब हम स्टूडेंट थे तब या हम विधायक रह लिए थे 2000 में तब, तो उसके बाद जब कांग्रेस का दौर आया कि ये बात प्रचलित होती थी, जब कोई वैकेंसी आ जाती थी अनाज मंडियों में पैसे नहीं रहते थे, सारे के सारे पैसे कांग्रेसियों के घर आ जाते थे। तो आप हमें ये बताइए कि आपके टर्नओवर के अंदर जैसे आपका कार्यकाल था, उसमें कितने बच्चे लगे हैं नौकरी, चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों? बच्चे खूब लगे हैं और लोग इस बात से खुश भी हैं कि वो बच्चे लगे हैं जिन घरों की बिल्कुल पटवारी तक भी अप्रोच नहीं, चाहे SC हैं, चाहे जर्नल के, चाहे BC के बच्चे हैं। जब हम उनकी बात सुनते हैं कि यार हमारी तो अप्रोच किसी पटवारी तक भी नहीं है और हमारा 100 रुपये का भी खर्चा नहीं आया, जैसे मेरे बड़ा गांव है केवड़क, वहाँ से तहसीलदार लगे बच्चे, 2-2 लड़के पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे, और ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई होगी जिसमें केवड़क गाँव, काकोत गाँव जो मेरी बरादरी के गाँव हैं उनके नाम नहीं आए हों। जैसे एक पुंडरी हल्के में डीग गांव पड़ता है, उसमें 150 के लगभग बच्चे नौकरी लग चुके हैं और वेल क्वालिफाइड बच्चे नौकरी लगते हैं, सबसे बड़ी संतुष्टि ये है। आपके एरिया में भी बाढ़ का पानी आया था? नहीं, कैथल में कोई बाढ़ का पानी नहीं आया और पूरे तरह से सुरक्षित है। और अंत में प्रश्न आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आज सेशन चल रहे हैं हमारे विधानसभा के, उसमें कैथल के लिए कोई आपने और मांग रखने जा रहे हो अपने हलके की? कुछ कैथल की 1-2 नहीं, मैंने 14 क्वेश्चन लगाए थे, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन तो लगा था शुक्रवार के दिन जेल शिफ्टिंग का था। इसके अलावा भी मैंने कई क्वेश्चन लगाए हैं, जैसे बड़ा गांव है केवड़क, उसको सब तहसील का दर्जा दिया जाए। एक मैं पिछले काफ़ी दिनों से डिमांड करता हूँ, कैथल शहर के बीचों बीच एक ग्योंग ड्रेन के नाम से बड़ी ड्रेन है, उसको पक्का करने का है। इस प्रकार से कहीं जैसे अंबाला रोड से लेकर के वाया कुरुक्षेत्र रोड, वाया करनाल रोड, जींद रोड, तितरम मोड़ तक उस सड़क को 4 लेन करने का, ये कई मांग है बड़ी बड़ी जो पूरा होने से कैथल शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपको लगता है कि इसमें से कितनी मांगें पूरी हो जाएंगी? इलेक्शन का टाइम भी है, क्योंकि आपने वोटें भी मांगनी है। इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि जब मैं पहले विधायक था 2000 में, तब मैं सरकार से मांग करता था 18-20 सड़कों की, और वो सड़कें मैं ईमानदारी से कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठ करके बीच में 15। अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हरियाणा का मानसून स्तर चल रहा है और मानसून स्तर में बहुत हंगामा हुआ विपक्ष के द्वारा, और हमारे बीच में कांग्रेस के विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी जी असंध से प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए उनसे हम बात करें कि विधानसभा की किस तरह की कार्यशैली रही अब तक। देखो, विधानसभा में एक तरफा बीजेपी की क्या कहते हैं, अगर असभ्य भाषा में कहूँ तो गुंडागर्दी है। वैसे जो नियम तरीके हैं उस पर सरकार लोकतांत्रिक वे में नहीं चल रही है, तानाशाही रवैये से काम कर रही है, किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। नूं वाले मसले में
तो बीजेपी ने मान ही लिया भी हमारे से गलती होगी, हम पापी हैं, हमारे को छेड़ो मत, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ। आप किसी को कहो भी इस पे बहस कर लो और वो भाग जाए तो क्या मतलब है उसका। आपने बहस के लिए प्रपोजल दिया था कांग्रेस पार्टी, एडजर्नमेंट दिया था, अच्छा रिजेक्ट कर दिया, मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। तो हमने कहा फिर खड़े होके होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कांग्रेसियों ने ही करवाया है, तो हमने कहा फिर बहस कर लो, लोगों को भी पता लग जाना चाहिए भी कांग्रेसियों ने करवाया कि बीजेपी ने करवाया है। देखो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के लोग उसको खून में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है जो इतना बड़ा यहाँ हरियाणा में हुआ है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है, पहले तो लोगों को फिर सरकार को। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा भाईचारे के हक में रही है और भाईचारा तो ये भी कहते हैं हम भी रखते हैं। ये तो नकली आदमी है, ये मुंह में राम राम है बगल में छुरी है, इनका तो कहना कुछ और है करना कुछ और है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा भाईचारे में विश्वास किया है, समाज को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत किया है। और मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कह रहा हूँ आने वाले समय में भी इस देश के समाज को, भाईचारे को और लोकतंत्र और संविधान को अगर कोई बचाएगा तो कांग्रेस ही बचाएगी। बीजेपी वालों ने तो सत्यानाश करने का ठेका ले रखे। अगर ये राष्ट्रहित की पार्टी हो तो इनकी पेरेंटल बॉडी है आरएसएस, उसको आप रजिस्टर्ड ही करा दो देश के कानून के तहत। कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं ना पर्दे के पीछे से, तभी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते। आप ब्लेम कर रहे हो कि आपको लगता है कि वाकई मैंने चिट्ठी तक लिखी है, अच्छा जी चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और मैं इस पे बहस करने को तैयार हूँ। जिन पार्टियों को, जिन संगठनों को हम आतंकवादी संगठन कहते हैं, देशद्रोही संगठन कहते हैं, वो कांग्रेस कहते हैं कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये पार्टी अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराती, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर लोगों ने फिर सरकार दे दी उनको। लोगों ने सरकार नहीं दी, ये तो ईवीएम के माध्यम से आई हुई सरकार है, थोड़े दिनों में देखना जनता सड़कों पे है और ये जोड़ा लेके कहाँ कहाँ भागेंगे। अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, अब मोदी जी की तरह खट्टर साहब भी कल छाती पे हाथ मार रहे थे भाई संदीप के बारे में मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि लड़कियों। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है संदीप के वाले प्रकरण? मैं कहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से महिलाओं की इज्जत के लिए, बेटियों की इज्जत के लिए तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। मंत्री फिर बन जाएगा अगर बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उन पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो। ये सर जो भी ये नारा देते हैं ना सिर्फ वोटों के लिए जुमला होता है इनका। औरतों की हालत सदियों से मैंने इतिहास पढ़ा है ऐसी कभी नहीं हुई होगी जो मणिपुर में इनके राज में हुई, जो डबल इंजन की सरकार थी, और फिर भी ये मौन है। तो आपके एरिया में कौन कौन से, आपने बिंग एमएलए कौन कौन से अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। जैसे आपको पता है कि हरियाणा का मानसून स्तर चल रहा है और हमारे बीच में हल्का इसराना से कांग्रेस के एमएलए श्री बलबीर सिंह वाल्मीकि जी मौजूद हैं। आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जो सेशन चल रहा है आपका, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे विधानसभा की कार्यशैली के बारे में, क्योंकि अक्सर विपक्ष ये कहता है कि हमें समय कम मिला है, वो स्पीकर कहते हैं समय उनको पूरा मिला है, इसके बारे में बताइए। समय वास्तव में ही कम मिला है, क्योंकि कल हमारे जैसे शून्यकाल के लिए हमने प्रश्न लगा रखे थे, कल इन्होंने शून्यकाल ख़त्म ही कर दिया, तो आज के लिए दोबारा पर्ची डाली गई है जिसमें मैं हरियाणा के नंबरदारों की बात उठाऊंगा, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बात उठाऊंगा, ग्रामीण चौकीदारों की बात, कल आशा वर्कर का भी था धरना उसकी जी 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 आशा वर्कर के लिए भी उठाऊंगा, ओपीएस की लागू करने की मांग भी रखूंगा, और जो सरपंच का ही ट्रेंडिंग जो मामला है ये इसको भी ख़त्म करने की मांग मैं विधानसभा के अंदर रखूँगा। जैसे आप नौजवान हो एमएलए, आपका भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो आप हमें ये तेज तरार भी लग रहे हो, आप हमें ये बताना कि आप हरियाणा के मौजूदा जो हालात हैं जिसको सरकार कहती है कि बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है, आप बीइंग एमएलए क्या कैसे देखते हो? मैं एमएलए के तौर पर ये देखता हूँ कि आज जो हरियाणा के अंदर भाजपा और जसपा गठबंधन की जो सरकार है पूरी तरह से ये सरकार फैल है, क्योंकि उन्होंने एक भी काम प्रदेश के हित के लिए नहीं किया। वो तो कह रहे हमने बहुत काम किए, कुछ नहीं किया उन्होंने, जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किया,
काम ये करने चाहिए थे, एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए थी। अच्छा, इन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन की जो सरकार अपनी रैलियों में घोषणा की थी कि हम ओपीएस लागू करेंगे, इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा था पंजाब के बराबर हम वेतन देंगे, इन्होंने नहीं दिया कर्मचारियों को। इन्होंने ये काम करने चाहिए थे जो घोषणा की थी, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने 5,000 की बात की थी, 5,100 की, वो करने चाहिए थे, नहीं किया। पर सीएम साहब ने दूसरी पेंशन लगा दी कुवारों की, इन्होंने दूसरा काम किया है। इन्होंने जैसे सरपंच अपनी टेंडरिंग के खिलाफ थे कि भाई टेंडरिंग खत्म करो, उनको पीटने का काम किया, सामान्य सरपंचों का अपमान किया। सर्विस में जो हमारे 36 बरादरी के भाई बहन हैं वो अपनी ओपीएस की मांग कर रहे थे, इन्होंने ओपीएस की मांग को स्वीकार नहीं किया बल्कि उनके पीटने का काम किया। किसान जो थे, 3 कृषि कानून ये लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, किसान ने मांग की थी, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जीटी रोड पर भी और बॉर्डर पर भी किसान 1 साल तक धरने पर बैठा रहा, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आपको नहीं लगता जो ये धरना हुआ था किसान आंदोलन में, उसमें चलो सरकारों ने क्या किया लेकिन हरियाणा और पंजाब का भाईचारा वैसे ही बन गया? वो तो मैं मानता हूँ कि ये जो था वो किसान पर, 36 बिरादरी का कोई भी भाई जो खेती करता हो किसान है, किसान पर जो आफत पड़ी, जो इस भाजपा की सरकार ने किसानों पर आफत डालने का काम किया, 3 काले कानून आफत ही थी, वो आफत डालने का काम किया, तो उस आफत के समय में पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बहुत अच्छा। चलो ये फायदा तो हो गया ना इससे कि भाईचारा एक बार फिर बन गया। ये तो सही है, ये तो इन जालिम पार्टियों ने भाईचारा बढ़वा दिया, भाईचारा बनवा दिया। शायद ये 7-4 किसानों के खिलाफ बिल लेकर ना आते तो शायद ये भाईचारा कम रहता, अब ये बहुत अच्छा भाईचारा। जैसे आप सीएम साहब अक्सर कहते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं बगैर पर्ची के, बगैर पैसे के, और कांग्रेस पे ब्लेम लगाते हैं, कांग्रेस के टाइम में सूट केस चलते थे, तो आप ये बताइए कि इसके बारे में कहां तक सच्चाई है, आप उसको कैसे देखते हो? ये जो सीएम साहब हरियाणा के वर्तमान सीएम साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। आप देखो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, इनके दफ्तर जो भर्ती बोर्ड के दफ्तर हैं उनके अंदर पैसे पकड़े गए कई कई 100 करोड़ रुपये, घोटाले पकड़े गए, विधानसभा के अंदर भी प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक का मांग करते रहे कि आपके भर्ती के बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके वहाँ चेयरमैन के वहाँ पैसे मिले, आप उसकी सिटिंग जज से जांच कराओ, परंतु इन्होंने जांच नहीं कराई। और जो ये सीएम साहब कहते हैं बिना पर्ची और बिना खर्ची, पेपर लीक कितनी बार हुए आप ये मानो, बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात कैसे होती है, इतने मतलब लगभग 6-10 बार पेपर लीक हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कौशल विकास निगम में तो बहुत लोग नौकरियां लग रही हैं सीएम साहब करे, बहुत लोग खुश हैं हरियाणा के। कौशल विकास निगम के बारे में बताना, पोर्टल के बारे में बताना, हुड्डा साहब ने हमेशा विधानसभा में रोला पाएगी कि ये पोर्टल का समझ नहीं आया हमें, तो आप बताना कि आपके पास भी नौजवान लड़के आते होंगे हल्के के, वो बताते होंगे कि पोर्टल की कार्यशैली किस तरह की है, जनता खुश है इससे? ये जो ये पोर्टल है ना, सारी जनता इससे दुखी है, खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज है, सख्त नाराज है इस पोर्टल में। कल ने आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर, वहाँ भी पोर्टल की चर्चा थी और एक विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, वो कह रहे मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी को कि ये पोर्टल पाटल आपने बंद नहीं की तो आपका कोई खाता खुलने वाला नहीं है, ये पोर्टल जो प्रक्रिया कौशल जो ये रोजगार लेकर आए हैं ये बिल्कुल गलत है। अच्छा अब आप हम एक चीज बताना, एक मिनट को एमएलए साहब, एक मिनट को आप हमें ये बताओ कि आपने बींग एमएलए अपने एरिया में कौन सा बढ़िया काम कराया जिससे आपको लोग? ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आई